तो दोस्तों भारत में आ रही है एकदम नई इलेक्ट्रिक कार, एक बार चार्ज करने पर चलती है पूरी 500 किमी। तो चलिए जानते कौन सी है ये इलेक्ट्रिक कार, पूरे फीचर्स और कीमत के बारे में। जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली बड़ी कंपनी बायटोन अपनी नई कार को लॉन्च करने की भारतीय बाजार में तैयारी में अब जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार बायटोन के बेटी नाम की ये इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 को टक्कर देगी। ये दोस्तों बताना चाहूँगा कि ड्राइवर लेस इलेक्ट्रिक कार है जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीबन आपको 520 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकती है। साल 2018 में पहली बार इससे कॉन्सेप्ट के रूप में तौर पे पेश किया गया था। कुछ लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक कार को हम सभी के लिए सितंबर तक के महीने में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि बायटोन की नई कार बेंटी इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल की भारतीय बाजार में स्टार्टिंग कीमत मात्र 10 लाख रुपए से होने वाली है। जी हाँ, इस कार की कीमत दोस्तों ज़्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि ये एक ड्राइवरलेस कार है, मतलब दोस्तों इसको आप भी चला सकते हैं और ये खुद भी अपने आप से ऑपरेट होके चल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों बायटोन की नई के बैटरी इलेक्ट्रिक कार को दो वेरिएंट पे भारतीय बाजार में हम सभी के लिए उतारा जा सकता है। कार को दोस्तों बेस वेरिएंट में आपको 75 kWh की बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वहीं टॉप वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 95 kWh की बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों 75 kWh की बैटरी पैक के साथ आने वाली वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर करीबन आपको 402 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर पाने में क्षमता रखती है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें जो कि 95 kWh की बैटरी पैक वाला वेरिएंट है, जिसकी रेंज करीबन 520 किलोमीटर की होगी। बायटोन के बाइटी के अनुसार के आपको 4 ऑटोनॉमस ड्राइवर सिस्टम से लेस मोड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि बायटोन की नई के बाइटी कार लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम से लैस की गई है। वहीं टेस्ला के सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको लेवल 3 सीट ड्राइवर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब ये कंपनी अपनी लेवल 4 ऑटोमेटिक ड्राइवर सिस्टम के साथ इस कार को लॉन्च करने वाली है। और बायटोन के बाइटी के डिज़ाइन और शानदार इंटीरियर के चलते इस इलेक्ट्रिक कार ने लोगों का काफ़ी दिल और आकर्षक जीत लिया है। कार के अंदर काफ़ी बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दिया गया है जो कि फ्रंट डैशबोर्ड एरिया को कवर करता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पर एक छोटी स्क्रीन भी लगाई गई है। कार का इंटीरियर ब्रेस कलर से रखा गया है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि टेस्ला मोटर ने अपनी नई बायटोन के बाइटी नाम की इलेक्ट्रिक कार को हम सभी के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी दोस्तों बात यह है कि ये ड्राइवर लेस इलेक्ट्रिक कार है, मतलब इसमें आप भी खुद इस कार को चला सकते हो और ये अपने आप को भी खुद चला सकती है। अब देखना है कि भारतीय बाजार में लॉन्च होते ही कितना तहलका मचा पाती है और कौन सी कारों को टक्कर दे पाती है, क्योंकि भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।